हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुर और आज हम प्योर एपीआई प्लेयर के बारे में बात करने वाले। अभी के वक्त अगर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट देखें 2021 के एंड ऑफ द ईयर में अराउंड 1250.24 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा और 2025 तक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट एक्सपेक्टेड है 1700.97 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है, जिसमें से नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट रीजन है। ऑलमोस्ट कहूँ तो 46% के आसपास मार्केट अकाउंट करता है FY20 डेटा के हिसाब से। वहीं पे अगर ग्लोबल स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स की अगर हम बात करें, जो एक्सपेक्टेड है 2026 तक 568 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब 43% के आसपास पूरे फार्मास्यूटिकल्स में स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट, एक तरह से वहां से बिजनेस जनरेट देखने को मिलेगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करूं, जो अभी के वक्त सिर्फ 41 बिलियन डॉलर के आसपास है और इंडिया वन ऑफ द चीपेस्ट ड्रग मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड में और हम कम से कम 200 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। 200 जहां पे जो एक्सपोर्ट की अर्निंग अगर हम बात करें 16.28 बिलियन डॉलर के आसपास है FY20 डेटा के हिसाब से और इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक 100 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फार्मास्यूटिकल दवाई की अगर हम बात करें 33% लोअर है एज कम्पेयर टू आपका USA और अदर मार्केट, जिसके लिए एक इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल लोकेशन बनता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये था इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स, तो उसी में एक प्लेयर है जिसका नाम है न्यूलैंड लेबोरेटरीज, राइट। सो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। सो न्यूलैंड लेबोरेटरीज अगर हम बात करें 1984 में इस्टेब्लिश हुआ, ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चर करता, जहां पे एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता ऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और केमिस्ट्री नीड्स के लिए। जो एपीआई आपका होता है किसी ड्रग को एक्टिवेट करने के लिए ये यूज किया जाता है, जहां पे कंपनी एपीआई आपका केमिस्ट्री इंडस्ट्री और दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चर करता है, वो भी प्योर एपीआई के अंदर में। इस कंपनी के पास 3 वर्ल्ड क्लास एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और जहां पे कंपनी आपका कॉम्प्लेक्स और हजार्डस रिएक्शन एक तरह से कहूँ तो हैंडल करता है। ऑलमोस्ट 860 किलो लीटर कैपेसिटी के आसपास इस कंपनी के पास है रिएक्टर वॉल्यूम की अगर हम बात करें। अभी के वक्त मोर देन 900 DMF या कहूँ 898 प्लस DMF इन्होंने फाइल कर चुके, ड्रग मास्टर फाइल जो API का आप फाइल करते हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मोर देन 300 प्लस API प्रोसेस डेवलप्ड है, 204 प्लस पेटेंट फाइल है और साथ साथ में कंपनी 80 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है विथ मोर देन 1427 एम्प्लॉयज। तो ये था इस कंपनी के बारे में। अब इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं और काफ़ी डिटेल में जानते हैं कि बिजनेस क्या करता है ये कंपनी। सो यहाँ पे ये कंपनी 3 जगह से बिजनेस जनरेट करता है, जिसमें पहला इनका जेनरिक ड्रग सब्सटेंस जिसके अंदर में ये प्राइम APIs और आपका स्पेशलिटी APIs में डील करता है और लास्ट इनका है CMS या कहूँ तो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो पहला इनका सेगमेंट जो है जेनरिक ड्रग सब्सटेंस के अंदर में प्राइम APIs के बारे में बात करते हैं। सो जहाँ पे ये कंपनी आपका एक तरह से प्राइम APIs और स्पेशलिटी APIs मैन्युफैक्चर करता है फॉर जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, राइट। सो इसके अंदर में जो इनका प्राइम API है वो हाई वॉल्यूम मैच्योर APIs है, जहाँ पे वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट काफ़ी कम है, जिसके वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कहूँ तो कंसोलिडेशन फेस में भी था और वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। मतलब जो ये प्राइम API ये हाई वॉल्यूम ये प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका जो वैल्यू टर्म की बात करें तो काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से इनका जो EBITDA मार्जिन इस सेगमेंट में काफ़ी कम रहता है। 2004 से 2013 के बीच में सिर्फ 10-12% के आसपास था और टू कम्पीट विद अदर कॉम्पिटिटर अगर API में जो ये सेगमेंट में प्राइम APIs में इस कंपनीज को इकोनॉमिक स्केल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इस कंपनी का रियलाइजेशन पर KG अगर देखे वैल्यू तो बहुत ही कम है, अराउंड 90-100 रुपीज़ के आसपास है, जिसके अंदर कुछ APIs के नाम लो यहाँ पे जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, लेबेटरॉल हो गया, तो यहाँ पे कुछ अच्छे मात्रा में बेचते भी और मार्केट शेयर भी है। इनका सेकेंड इसके अंदर जो बिजनेस जेनरिक ड्रग सब्सटेंस के अंदर में आता है स्पेशलिटी API, जहाँ पे लो वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्स API मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब वॉल्यूम कम है लेकिन मार्जिन काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे नीच API है, वेरी कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस विच लीड्स टू लेसर कॉम्पिटिशन, मतलब जो ये कंपनी बनाता है स्पेशलिटी API उसका जो और कॉम्पिटिटर बहुत कम है
और ये लेस मतलब क्वांटिटी में कम बनाता है लेकिन मार्जिन काफ़ी बेहतर मिलता है, क्योंकि और प्लेयर वहाँ पे आना ही नहीं चाहते क्योंकि कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और हजार्डस की वजह से दूसरे कंपनीज के पास वो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ से कंपनी को हायर मार्जिन भी मिलता है, जिसके वजह से ये कंपनी जो APIs जो ये बनाते हैं स्पेशली API, इनका ये फॉर्मुलेशन के अंदर जाता है। एक जो पूरा एंड टू एंड वैल्यू चेन होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर के इंटरमीडिएट, फिर API, फिर फॉर्मुलेशन फॉर, फिर लास्ट में आपका आता है एंड प्रोडक्ट, तो ये पूरा वैल्यू चेन में कंपनी एक तरह से प्रेजेंट है। सो ये कंपनी को काफ़ी कम कॉम्पिटिशन मिलता है, साथ साथ में अच्छा खासा इनको मार्जिन वहाँ से मिलता है उस प्रोडक्ट से। इनका रियलाइजेशन पर KG अगर डॉलर टर्म्स की बात करें, कुछ जो ये API बनाते हैं जिसके अंदर सेल्मिट्रोल करके हो गया, जिसका डॉलर पर KG के हिसाब से 65,000 पर KG US मार्केट में, वहीं पे दूसरा इनका प्रोपोफोल करके जो $20,000 डॉलर पर KG के आसपास है। मतलब यहाँ से रियलाइजेशन पर KG काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फायदा ये हो सकता है, जो हम आगे और डिस्कस करेंगे। इनका ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे जेनरिक ड्रग सब्सटेंस में अराउंड 75+ APIs अराउंड 10 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में ये मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसमें से अगर हम देखें प्राइम API आपका 47% के आसपास बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है पूरे, और वहीं पे स्पेशलिटी API की बात करें तो 22% के आसपास बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम कहूँ तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है 2002 से या 2012 से अगर हम कंसिडर करें। इस कंपनी का 2014 में जो प्राइम API ऑलमोस्ट कहूँ तो पूरे बिजनेस का 71% कंट्रीब्यूट करता था, जो और आपका जो स्पेशलिटी API सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करता था, वहीं पे प्राइम API अभी रिड्यूस होकर के 47% के आसपास पहुंच चुका है और स्पेशलिटी API आपका 22% के आसपास पहुंच चुका है। मतलब कंपनी जो अपना डिपेंडेंसी का बल्क जो ड्रग मैन्युफैक्चर करते थे या API मैन्युफैक्चर करते थे उसको लो करके उन्होंने स्पेशलिटी APIs पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, मार्जिन कम है, इकोनॉमिक स्केल पर ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये सब चीज़। तो कंपनी ने पूरा चेंज किया, जिसकी वजह से स्टॉक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन में था और आज स्टॉक भागा भी है एक तरीके से, पहले से भाग रहा है, बीच में तो अभी काफी नीचे भी आया है। इनका जो थर्ड बिजनेस कहूँ कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या CMS, सो जहाँ भी ये कंपनी इनोवेटिव फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू केमिकल एंटिटीज हो गया, जिसके अंदर टोटल इनके 2 वर्टिकल्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे कंपनी इंटरमीडिएट्स और API मैन्युफैक्चर करता है और लास्ट में उसको कमर्शलाइज करने में हेल्प करता है उन कंपनीज की। ये सेगमेंट ऑलमोस्ट को तो 28% के आसपास बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है अभी के वक्त। जहाँ पे इनका जो CMS बिजनेस है कुछ आपका सिमिलर सुवेन फार्मा और सिंजिन इंटरनेशनल के जैसा है, मतलब क्रैम्स के जैसा, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी, राइट। जहाँ पे ये कंपनी प्योरली बेस्ड है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, मतलब जिस कंपनीज के साथ इनका टाइप होता है इनोवेटर या छोटे छोटे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज, तो उनके साथ उनको टाइप करना पड़ता है, सो दैट वो स्टार्टिंग में स्मॉल क्वांटिटीज में उनको प्रोजेक्ट मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में और ज्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेगा, तो इस कंपनी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और इन और ख़ास करके ये कंपनी इस सेगमेंट में वही जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, तो फेज 3 में जो उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा है कि वो कमर्शलाइज हो जाए, जिससे कंपनी का रिस्क भी रिड्यूस होता है और आने वाले वक्त में ये कंपनी मल्टीफोल्ड रिटर्न उसकी वजह से जनरेट भी कर पाएगा CMS सेगमेंट से। तो इनका 2014 में CMS सेगमेंट सिर्फ 11% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करता था, वहीं 2021 में इंक्रीज होकर 25% के आसपास पहुंच चुका है और बाकी रेस्ट 6%। तो यहां से एक चीज आपने नोटिस किया, कंपनी कमोडिटी API से आपका स्पेशलिटी API और CMS पे फोकस कर रहा है, जो कि फ्यूचर है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसके लिए कंपनी लॉन्ग रन में बेहतर कर सकता है। इस कंपनी का अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, नॉर्थ अमेरिका से 36% के आसपास बिजनेस आता है, यूरोप से 43%, इंडिया से 4%, लैटिन अमेरिका से 3%, जापान और एशिया स्पेसिफिक को तो 4% और 6% रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये था इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। सो अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ रीजंस के बारे में, जिसके वजह से ये स्टॉक नीचे भी आया था 2800 से 1500 के आसपास। तो पहला रीजन है, इनके कॉनकॉल में अगर आप पढ़ोगे, डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन CMS प्रोजेक्ट्स, तो कंपनी के पास कुछ जो लेट 3 स्टेज के जो प्रोजेक्ट थे वो काफ़ी डिले हो गए, उसके वजह से कंपनी को जो रेवेन्यू था एक तरह से वो नहीं अभी के टाइम पे, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। दूसरा रीजन है कि इनका जो इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग विच लेड्स टू फ्लैटेस्ट टर्नओवर, सो कंपनी का जो बिजनेस एक टाइम के लिए एक कॉम्प्लेक्स है एक तरीके
तरीके से, और थोड़ा भी स्लाइट कस्टमर भी या इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग होता है तो उससे कंपनी को प्रॉब्लम होता है। तो अभी के टाइम पे इनका एक तरह से कहूँ तो इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग की वजह से भी कंपनी का एक तरह से बिजनेस अभी के टाइम पे सबड्यूड हुआ और डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट को फर्क पड़ा, राइट, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डिक्लाइन भी हुआ था। तीसरा, राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइस, वी ऑल्सो इनकर्ड सर्टन अपफ्रंट कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन प्रोजेक्ट विच वी हैव बीन वर्किंग ऑन। सो कंपनी का जो रॉ मटेरियल यूज करते KSM, आज भी बहुत पहले वो डिपेंडेंट था चाइना पे, अभी तो रिड्यूस कर दिया है, फिर भी वो कहीं से लाते हैं, तो रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट होने की वजह से भी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुआ। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी नीचे आया, लेकिन टेक्निकल रीजन भी है वो फिर कभी मैं अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना है जो नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा सिखाता हूँ पर्सनली, कैंडल स्टिक्स या प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, आपका हाई किनेसिस स्ट्रैटेजी या आपका A to Z, जो भी आपका मूविंग एवरेज, MACD, RSI, हेड एंड शोल्डर, फिबोनाची, सब कुछ इस कोर्स के अंदर मैं कवर करता हूँ। ये प्योरली प्रैक्टिकल है, मैं खुद आपके साथ में पेपर ट्रेडिंग करता हूँ और उसको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, राइट। सो ये कोर्स आपको मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ और हर लेक्चर के बाद आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलता है आपके ईमेल आईडी पे। इसका फीस काफ़ी कम है, 3,200, सो दैट आप अफोर्ड कर सको और साथ साथ में सीख सको। आने वाला फ्यूचर बैच जो भी है टेक्निकल का, फिर से बैठ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक मेरा ये बैच आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मोर देन अभी के टाइम पे आई थिंक ऑलरेडी 20 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले चुके हैं। अगर आपको भी सीखना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बाकी मेरा स्टॉक एनालिसिस का कोर्स 21st ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर मोर देन 350 स्टूडेंट्स के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ। सो आपको ज्वाइन करना है ये टेक्निकल एनालिसिस का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर दे नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो सबसे पहला आता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद अ हाई टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके अंदर ये हाइड्रोजनेशन और सीरल केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं जो बहुत दूसरे प्लेयर्स कम करते हैं, राइट, ये लार्जर स्केल पे करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स API मैन्युफैक्चर करते हैं, ये चीज़ भी आपको नोटिस करना है। दूसरे स्ट्रेंथ की बात करूँ, कंपनी का 85 कंट्रीज में प्रेजेंस है ग्लोबल। तीसरा, अगर देखें एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर कस्टमर सपोर्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, मतलब आपका स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर को। चौथा कहूँ तो वास्ट एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग API फॉर मोर देन 35 ईयर्स, जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर ये सिर्फ API मैन्युफैक्चर करते हैं और ये एकदम इसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है दवा को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, तो इनके पास लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है विद फ्यू लीडिंग जेनरिक और इनोवेटर कंपनीज, जिसके वजह से इस कंपनी को रेगुलर इनकम एक तरह से जनरेट होता रहता है। सिक्स पॉइंट की बात करें, प्रोडक्ट मिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ हाई वॉल्यूम एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, मेकिंग इट रिजिलिएंट इकोनॉमिक रिस्क एंड प्रोवाइडिंग एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सो रोबस्ट ग्रोथ और स्टेडी कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर पाता है, क्योंकि कंपनी लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू की बात करें तो पूरा कहीं को तो प्रोडक्ट मिक्स है और CMS में भी है, तो जिसके वजह से कंपनी का रिस्क कहूँ तो कम हो जाता है और रिटर्न लॉन्ग टर्म में ज़्यादा जनरेट कर पाएगा टर्नओवर की अगर हम बात करें। और लास्ट कहूँ तो ये कंपनी प्योर प्ले API में डील करता है, जिसके वजह से इनके जो कॉम्पिटिटर्स है जो दूसरे सेगमेंट में, तो कंपनी अपने कोर स्ट्रेंथ पे काफ़ी ज़्यादा जो इनका कोर बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करके लॉन्ग टर्म में और बेहतर कर सकता है, क्योंकि सरकार अभी के टाइम पे API पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। आपका लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, क्योंकि हमको डिपेंडेंसी फ्रॉम चाइना रिड्यूस करना है, तो जिसके वजह से इस कंपनी को फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, 2017 में इस कंपनी ने Unit 3 लॉन्च किया था, मतलब एक तरह से जो अभी फिलहाल आपका कमीशन हो चुका है, जहां पे USFDA अप्रूवल का वेटिंग आई थिंक चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। अगर वो एक टाइम के लिए अप्रूव हो जाता है सो कंपनी अपना जो API मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करके उसको कमर्शलाइज करेगा तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो ये फिलहाल ये चीज़ आपको नोटिस करना है जो अभी फिलहाल इनका प्रोसेस में चल रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है, जिसके वजह से कंपनी ने सिग्निफिकेंट कैपेक्स लास्ट 3 ईयर्स में अगर देखोगे तो इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज भी हो रहा है, और Q1 FY 2022 में आई थिंक 29 करोड़ के आसपास का कैपेक्स भी इन्होंने प्लान किया है, और ज़्यादातर फोकस इनका अभी के टाइम पे जो आपका Unit 3 और साथ साथ में आपका जो कमर्शलाइजेशन स्केल ऑफ CMS इनिशिएटिव उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनको लग रहा है वहाँ से काफ़ी ग्रोथ होगा, क्योंकि 2014 में CMS सिर्फ 11% था और अभी 25% के
आसपास पहुंच चुका है। उसके बाद इनका थर्ड अगर देखें, आने वाले 10 साल में कंपनी कम से कम 18 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि जिसके वजह से कंपनी का फ्यूचर अर्निंग आपको देखने को मिलेगा, साथ साथ में कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें, कंपनी अभी के टाइम पे सर्टन कस्टमर जो इनके पास है या पोर्टफोलियो का एक्सपांशन करने के लिए या वही मॉलिक्यूल्स को टारगेट करें जो लेट स्टेज में है या क्लिनिकल साइकिल में, जहां से कंपनी को वो मॉलिक्यूल्स को मोनेटाइज होने के बाद, कमर्शलाइज होने के बाद कंपनी को फायदा होगा, तो वहीं कस्टमर्स और क्लाइंट को फोकस करते हैं, वहीं पे थर्ड स्टेज वाले मॉलिक्यूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, कंपनी अभी के टाइम पे आपका बायोटेक और वेंचर बैक कंपनी पे फोकस कर रहा है आपका नॉर्थ अमेरिका में, जहां पे जिससे कंपनी को लगता है कि वहां से बिजनेस ज्यादा जनरेट होगा इनोवेटर से भी, और यूरोप में इनोवेटर कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं फॉर CMO या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में, सो दैट लॉन्ग टर्म में कंपनी और ज्यादा बिजनेस ग्रो कर सके। और अभी के टाइम पे Q1 FY 2022 की बात करें तो डेवलपमेंट में अराउंड API इंटरमीडिएट्स की बात करें 20 था, उसमें से 17 के आसपास कमर्शलाइज हो चुका है, जो पिछले आई थिंक 76 था भी 78 के आसपास टोटल अगर हम देखें। सो यहां से कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी साउंड नजर आ रहा है, जिस हिसाब से कंपनी लास्ट 10 सालों में खुद को चेंज किया है, तो मेरे ख्याल से आने वाला 10 साल कंपनी के लिए काफी ज्यादा गेनफुल रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो सबसे आप लेफ्ट साइड में कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो, 2019 में अराउंड 670 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, वहीं 2021 में इंक्रीज होकर के 953 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन कंपनी का वहीं पे प्रॉफिट देखें, 2019 में 16.44 करोड़ था और 2020 में तो डिक्लाइन हुआ, 2021 में 80 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो यहां पे कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है, बट स्टिल कंपनी एक तरह से खुद को इवॉल्व कर रहा है, चेंज कर रहा है, बल्क कमोडिटी से एक तरह से कौन तो आपका पूरा का पूरा नीश स्पेशल API में फोकस कर रहा है, जिसके वजह से मुझे लगता है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लॉन्ग रन में और इंक्रीज होगा। यहीं पे कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, 2019 में 45.34 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, तो 2021 में 25.86 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंस कहूं तो काफी कम है, वहीं पे कंपनी का डेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी का शेयर होल्डर फंड या इक्विटी कहूं तो काफी बेहतर है, जिसके वजह से कंपनी का डेट इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अराउंड 97.73 करोड़ के आसपास है 2021 के डेटा के हिसाब से। तो कंपनी का डेट अभी के टाइम पे यहां पे आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल जो शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट काफी अच्छा पोजिशन में है, राइट। उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप ऑब्जर्व करो, 2019 में 70 करोड़ के आसपास था, वहीं 2021 में जंप होकर के 189.36 करोड़ के आसपास पहुंच गया। सो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हो रहा, मतलब कंपनी का अर्निंग भी इंक्रीज होगा। वहीं पे फ्री कैश फ्लो की बात करें, 6.8 करोड़ था 2019 में, 2021 में 83.96 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहूँ तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक तरह से कहूँ तो डिसेंट है, क्योंकि कंपनी फ्यूचर बिजनेस पे फोकस कर रही है, नीच API और आपका पूरा का पूरा कहूँ तो अगर देखें तो CMS पे, जो कि फ्यूचर, जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन भी लॉन्ग रन में काफ़ी इंक्रीज होता है। सो फिर भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लो। मेरा मानना है ये कंपनी 10 साल में आपको टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, और मे बी आपको 300-500% का रिटर्न भी देने का पोटेंशियल कंपनी रखता है। लेकिन ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, मे बी बायस भी हो सकता है, तो आप अपना रिसर्च भी जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा रिसर्च पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।